किचन में बन रहे हैं आलू बैंगन, तो ये वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आप बहुत लाइक करेंगे। उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ, मैं आपको वेलकम। आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ बहुत मज़े के बैंगन आलू। तो उसके लिए जो मैंने सामान लिया है, ये मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, दो मैंने टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 2 टेबल स्पून, इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ज़्यादा डलता है, हल्दी लिया 1 टीस्पून, सूखा धनिया लिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आलू लिए मैंने 4, इनको मैंने कट कर लिया, और बैंगन लिया मैंने तकरीबन लगा लें आप 1 किलो के करीब बैंगन होंगे, इनको मैंने कट करके पानी में डाल दिया, और ऑयल लिया मैंने 300 ml मैंने ऑयल लिया। इसमें हम प्याज को करते हैं ब्राउन, और फिर हम साथ साथ अपना अगला प्रोसेस हरी मिर्चें और धनिया वो हम एंड पे डालेंगे। इसको हम कर लेते हैं ब्राउन, साथ साथ जो अपना प्रोसेस करते जाएंगे इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लें। अभी तो प्याज हमारे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं ब्राउन होते हुए, इसको थोड़ा सा हम और करेंगे, फिर इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ों को डालेंगे। देखें जलाना नहीं है, इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अब इस स्टेज पे जो हम साथ इसके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लें, साथ ही हम डाल देंगे अपने टमाटर, और ये सारे जो हमारे मसाले थे ये भी अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने पानी जो है वो 300 ml डाल के इसको रख देना है, ताकि इसके प्याज और टमाटर जो है वो प्रॉपरली गल जाएं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लें। 300 ml मैंने पानी लिया है, सॉरी 200 ml, और इसको हम हल्की आंच पे मसाला बिल्कुल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि हमारा मसाला प्याज और टमाटर गल जाए जी। तो हम मसाले थोड़ा चेक कर लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारे प्याज जो हैं काफ़ी हद तक पक गए हुए हैं, ये मसाला बनता है प्रॉपर, ये पानी ड्राई हो जाता है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे बैंगन। हाँ जी, तो ऑयल हमारा लैदा हो गया, मसाला हमारा माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब हम बैंगन का पानी निकाल के इसके अंदर डाल देते हैं। ये तो बैंगन हमने अंदर डाल दिए, अब हम इसको हल्का सा हिला लेते हैं, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम हल्की आंच पे रखेंगे कि बाद में आलू डालेंगे, वरना आलू जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, तकरीबन 100 ml इतना पानी के इसमें जो बैंगन है वो गल जाए। बस ये डाल के हम दोबारा से ढक्कन लगा के रख देते हैं कि बैंगन जो है वो गल जाए। बैंगन को चेक कर लेते हैं ये क्या सिचुएशन है। ये देखिए बैंगन हमारे तकरीबन गल गए हैं, इसको हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर डालेंगे आलू, और फिर हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सारा हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं, साथ साथ आलू भी जो है वो होते रहेंगे। सॉल्ट और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल मिर्ची खाती हूँ, जब स्पाइसी बनाती हूँ तो आपको बता देती हूँ। इसको हम रख देते हैं, और इसका बाकी पानी भी ड्राई कर लेते हैं, उतनी देर में आलू भी गल जाएंगे। अब इसके साथ जो है हम 5 हरी मिर्ची डाल देते हैं, इसको भी हम मिक्स करके अंदर पकने देते हैं ताकि आलू गल जाए। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देते हैं ताकि धनिया की साथ जो है वो हो जाए। इसमें धनिया ज़्यादा डालेंगे तो ये मज़े का लगेगा, कि मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून समझ लें मैंने धनिया डाला है, और इसको भी हम प्रॉपरली जो है भून लेंगे। अभी पानी है इसके अंदर, हम इसको पकने देते हैं।
ये तो हम चेक कर लेते हैं सालन को। तो सालन के ऊपर ये देखिए ऑयल आ चुका है हमारा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैंगन आलू जो है वो हो गया है। हम आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी जो वो गल चुके हैं और सॉल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग सॉल्ट कम खाते हैं, आप अगर कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो हमारा बैंगन आलू का सालन जो है वो रेडी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। आप इसको बनाएं और बनाकर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।